तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर का उज्ज्वल शुभांकर पर। दोस्तों बार बार हम लोग कहते जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम सामने हैं, बोर्ड एग्जाम सामने हैं, बोर्ड एग्जाम सब फिनिश हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, अब बारी है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आज क्लैट का एग्जाम, 20 जून से आपकी जेई की एग्जाम्स होने वाली हैं, 17 जुलाई को नीट के एग्जाम्स, यानी लाइन करके आज जो वकील बनने का जो सपना देख रहे हैं उनकी परीक्षा आज है, इंजीनियर जो बनना चाहते हैं उनकी 20 जुलाई से, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनकी 17 जुलाई को। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये जो प्रिपरेशंस थी, ये जो जद्दोजहद रही साल भर की, वो कैसी रही, और आने वाले समय में जो बच्चे सपना देख रहे हैं प्रोफेशनल स्टडीज़ का, हायर स्टडीज़ का, ये जो बार बार हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए प्रिपरेशंस करें कैसे। कहीं कहीं ये कहा जाता है, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि भाई ये सेल्फ स्टडी की दलीलें बहुत दी जाती रही हैं, लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और गाइडेंस ये अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो शायद आपके शहरों में एक एक इलाका इसी वजह से बस नहीं जाता, जहाँ पर कि चारों तरफ अगर आप देखें तो पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ही पूरा इलाका होता है। तो क्या ये कोचिंग वाकई ये वो क्षेत्र है जहां पे गाइडेंस मिलता है? क्या गाइडेंस और कोचिंग एक बात है? हम लोग कहते तो हैं, पता नहीं कोचिंग हमारे भाई जीवन का हिस्सा है, अगर हमारे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कोचिंग जरूरी है। लेकिन मजे की बात है, उसी के साथ साथ एक विडंबना भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हम स्कूलिंग की नज़र से थोड़ा सा पता नहीं क्यों उसको हम लोग नीचे नज़रों से देखते हैं, उसको हम लोग ये नहीं समझ पाते। अगर कोई बच्चा उस पर से जाता है, अगर कोई कहता है कि भाई कोचिंग का टीचर होता है या अपना कोचिंग चलाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ इज्जत की कमी आ जाती है। ज़रूरत हम सभी को है। अब आज का विशेष जो सवाल है वो ये है कि द रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो चलिए इसी विषय में बात करने के लिए किसी ऐसे व्यक्तित्व से हम बात करते हैं जिनको कि कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, लर्निंग इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में अच्छा पता हो। तो आज हमारे स्टूडियो में आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है मिसेस चारू श्रीवास्तव। चारू जी कई इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी रहीं, वो हॉस्पिटैलिटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं, एक बहुत बड़े 5-स्टार होटल की इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो गवर्नमेंट की अकाउंट्स हैंडल करती हैं, साथ ही साथ ये कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग ब्रांड्स के साथ भी एसोसिएट हुई। शायद लखनऊ के कुछ बच्चे जो कि लॉ के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में हैं, कुछ और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो इनका नाम जाने। कॉमर्शियल इश्यूज की वजह से हम उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम चैनल पर तो नहीं ले सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में इनसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा। तो आइए चलिए बात करते हैं चारू श्रीवास्तव जी से। चारू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका करियर काउच में शुभांकर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं चारू मैम को जानती हूँ तो मुझे याद है कि मैं चारू मैम को जानती हूँ जब ये MBA की प्रिपरेशंस में थी, और जितना मुझे याद है आई थिंक 28 साल से भी ऊपर से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है चारू मैम जी। तो आज हमें चारू मैम ये बताने वाली है कि जिस तरीके से ये प्रिपरेशन कोचिंग से उसकी जो बच्चे जो चूज़ करते हैं उनको कैसे वो इस इंडस्ट्री को चूज़ करेंगे। तो चारू मैम सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कैसे ये एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ ये जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका? ये मेरी सोल सर्चिंग का पार्ट था। जब मुझे अपने लिए करियर चुनना था तो मैंने ये महसूस किया कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग जो मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा हैं वो भी मुझसे राय मशवरा लेने आते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसी टीम खड़ी की जाए, और ये मैं 1994 की बात कर रही हूँ जिस समय कोचिंग और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी करियर गाइडेंस की लखनऊ में। तो मैंने ये सोचा मैं एक ऐसी टीम खड़ी करूँ जहाँ पे बच्चे आ सके, अपने अपने आगे के करियर को प्लान कर सके, गाइडेंस पा सके और एक बेहतर भविष्य बना सके। तो इसके लिए मैंने जो है बेस्ट ऑफ फैकल्टी, बेस्ट ऑफ टीचर्स को लखनऊ में अपने साथ जोड़ा, और मैंने अपने ही घर में एक इंस्टीट्यूट डाला
तो जी मैंने 2 कमरों के कोचिंग इंस्टीट्यूट से काम स्टार्ट किया था, और मैंने टीम जो चुनी थी वो ऐसी चुनी थी कि जो लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में बेस्ट मेंटोर्स थे सब्जेक्ट वाइज, उनको अपने साथ जोड़ के और मैंने एक इंस्टीट्यूट डाला जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर करियर्स एंड कॉम्पिटिशंस, ICC के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ। तो हमने उसके माध्यम से बच्चों को गाइडेंस देना शुरू किया और हम कॉलेज टू कॉलेज और स्कूल टू स्कूल गए बच्चों को जागरूकता के लिए करियर गाइडेंस की, और इस तरीके से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। माई गॉड, दैट्स अ लॉन्ग वे। एंड तो मैम, सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ, जो मुझे भी जो लगता है, क्योंकि हम लोग भी करियर काउच का जो टीम है वो भी बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि सेशंस बच्चों के लिए जाते हैं, तो जो प्राइमरी जो प्रॉब्लम हमें भी समझ में आया वो है बच्चों को जो है बताया जाता है, एक पेरेंटल प्रेशर रहता है कि आप ये कोर्स परस्यू करें, लेकिन उसको समझने की क्या उनमें वो नैक है, क्या इंटरेस्ट है, वो समझने की उनमें क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो वो भी बच्चे ही है जो क्लास 12 पास हो रहे हैं। तो मैम, आपका जो ये एक्सपीरियंस है, आप लोग किस तरीके से बच्चों को गाइड करते थे एंड कैसे समझते थे कि बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर कोर्स सूटेबल है कि नहीं है? जी जी, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो बच्चे का रुझान होता है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है, उसके रिसोर्सेज होते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसके लिए ज़रूरी हैं क्वालिफाई करना एक पर्टिकुलर करियर के लिए, क्या उसके अंदर वो क्षमता है या प्रिपेयर्डनेस है कि वो सस्टेन कर ले जाएगा। क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जैसे कि UPSC, उसमें आपको हो सकता है 1 से 3 साल 4 साल लग जाए, तो वो परसिवरेंस चाहिए। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म आपकी इंटरनल प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैट एग्ज़ाम तो या क्लैट एग्ज़ाम हो गया, जिसमें कि आपकी इंग्लिश के ऊपर आपने कई साल वर्क किया होना चाहिए, आपकी मैथमेटिक्स और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की फाउंडेशन बहुत पहले से पड़ी होनी चाहिए। तो कोचिंग में आने से पहले या कॉम्पिटिशन देने से पहले वो प्रिपेयर्डनेस जर्नी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, आपके स्कूलिंग के टाइम से शुरू हो जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का रुझान क्या है, प्रिपेयर्डनेस क्या है, और उसकी परसिवरेंस का लेवल क्या है, एंड वो बहुत हद तक उसके मार्क्स भी इंडिकेट कर देते हैं, बहुत हद तक उसकी डिटर्मिनेशन इंडिकेट कर देती है। बिकॉज जो बच्चा अगर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम या पर्टिकुलर फील्ड के लिए पैशनेट है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सो जब आप बातचीत करते हैं और करियर काउंसलर्स और हमारे जैसे मेंटोर्स जो कि इतने सालों से बच्चों के साथ डील करते आ रहे हैं, वी आर एबल टू गेज द पोटेंशियल, वी आर एबल टू गेज द इंटरेस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर बच्चा ब्राइट भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए हो। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी को निफ्ट के लिए गाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एकेडमिक है, देन इट इज़ देन दैट चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सफाइस द कोर्सेज इन निफ्ट। सिमिलरली अगर कोई क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा है और वो वेवेशियस रीडर नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा 5 ईयर्स का कोर्स। सो इट इज़ एंड लॉ इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग इवन वंस यू बिकम अ लॉयर। सो बच्चे का इंटरेस्ट इज द की फैक्टर। सेकेंडली फिनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं। सो कुछ चीज़ें अफोर्डेबल होती हैं किसी के लिए, किसी के लिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव होंगी। मेरी राय ये है कि बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज को टेकअप करना तभी चाहिए जब आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी हो, या फिर आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कर रहे हो ताकि आपको अच्छी लोनिंग फैसिलिटीज़ मिल सकें, ताकि आपका करियर ग्राफ साउंड हो। अदरवाइज वन शुड बी मेकिंग वेरी जुडिशियस काइंड ऑफ डिसीजंस। देर आर एन नंबर ऑफ वेरियस गुड करियर ऑप्शंस जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चना नहीं पड़ता, जैसे कि बैंकिंग। सो बैंकिंग कैन गिव यू अ ग्रेट करियर विदाउट स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज इन टू प्रेपरेशन। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी ज़रूरी है, और आप एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए जहाँ पे भी आपका रुझान है, जो भी हॉबी के टाइम पे, आप फ्री टाइम पे जिन चीज़ों को करना, पढ़ना और जानना पसंद करते हैं, उसी तरफ अगर आप अपना करियर बनाएंगे तो सर्टेनली यू आर गोइंग टू एक्सेल इन दैट।
मैम वेरी वेल सेड, और हम लोग भी बच्चों से यही बातें करते हैं। और मैम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये आपसे पूछनी है, बिकॉज आपने भी गाइड किया है बच्चों को, तो मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड कोचिंग? सी, गाइडेंस कैन बी ऑफ एंड ऑन, इट कैन बी समथिंग स्पोरैडिक। सो आपने किसी को गाइड किया, आपने उसको एक दिशा दिखाई और वो उस दिशा पे चल पड़ा। कोचिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि कोचिंग में आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य को पार कराने के लिए। तो गाइडेंस एक आई वुड से एक वाइडर और एक सुपरफिशियल यू नो पार्ट ऑफ प्रेपरेशन है, वेयर एज कोचिंग में आप उसके जिस चीज़ के लिए आप कोच कर रहे हैं उसके हर एस्पेक्ट के लिए वो कोच, वो मेंटोर रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, एंड आई थिंक गाइडेंस तो कोई भी एल्डर्स ज़रूर हमेशा देते हैं, लेकिन कोचिंग उन्हीं को देना चाहिए जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक्सपर्ट हो। एब्सोल्युटली, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है बच्चों को जो कोचिंग जो कोच कर रहे हैं हो सकता है उस फील्ड के है ही नहीं, तो उसमें बच्चे मिसगाइडेड होते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैम अभी मैं सीधे सीधे क्वेश्चन अभी जो हमारी चर्चा है उस पर आ रही हूँ, वो है हाउ टू चूज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जनरली लोग पूछते नहीं हैं, आपका बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहली चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट से प्लीज़ प्रभावित मत होइए, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास इस तरीके के फाइनेंशियल बैकअप्स हैं, बजट्स हैं कि वो बहुत बड़े बड़े एड्स दे रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस्ट हैं। यस, और इसके लिए आपको फिज़िकली उन कोचिंग सेंटर के मेंटोर से और जो की मेंटोर हैं, जो मेन पर्सन हैं, उनसे आपकी मुलाकात होना, उनके रिजल्ट्स को देखना, प्रायर रिजल्ट्स को देखना, और ये देखना कि उनका फी स्ट्रक्चर कितना स्टूडेंट फ्रेंडली है, और ओवरऑल एनवायरनमेंट में क्या वो स्पिरिट है कि वो बच्चे को एक्चुअली पर्सनल लेवल पे गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। क्योंकि ब्राइटर स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करना बहुत इजी है, जो मीडियोकर बच्चा है उसके पोटेंशियल्स को ओवर अचीव कराना, उसके पोटेंशियल्स को हैंड होल्डिंग करके गाइडेंस देके उसको आगे पहुंचाने की क्या जज्बा रखते हैं, या वो केवल कमर्शियली ओरिएंटेड हैं जहाँ पे उनको केवल एडमिशन्स चाहिए और वो कुछ चुनिंदा बच्चे जो ब्राइट हैं उनका रिजल्ट छाप के अगले साल के लिए वो अपना मार्केट डेवलप करते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप स्पिरिट ऑफ एकेडमिक्स, स्पिरिट ऑफ कोचिंग, कि उनका जज्बा क्या है स्टूडेंट्स को लेके, क्या वो ऑर्डिनरी मीडियोकर स्टूडेंट के ऊपर भी उतना ही वर्क करते हैं जितना कि ब्राइटर स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, उनका कंटेंट पे कितना पकड़ है, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, अपडेटेड स्टडी मटीरियल, मॉक्स और आपके टेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अगर रिसर्च विंग स्ट्रॉन्ग नहीं है उस कोचिंग का, तो आप ये मान के चलिए बच्चा सफ़र करेगा, चाहे कितनी भी पॉजिटिविटी हो उस कोचिंग में। तो एकेडमिक एक्सीलेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, जब बच्चा टेस्ट मोड में आता है, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, तो उसमें पहली बात टेस्ट की एनालिसिस पे उस कोचिंग में कितना ध्यान दिया जा रहा है, टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ स्टूडेंट्स की नेशनल बेंचमार्किंग कितनी अच्छे से वो लोग कर सकते हैं, ये पैरामीटर्स इम्पॉर्टेंट हैं। और टेस्ट एनालिसिस के बाद ही स्कोर इन्हांसमेंट होता है, तो आप जिन भी एरियाज में कमज़ोर हैं, मान लीजिए आप क्रिटिकल रीजनिंग में कमज़ोर हैं या इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो उनमें आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्कोर कैसे डेवलप हो रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ों को एक्चुअली बैठ के एक लंबी बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए पेरेंट्स को, एंड वंस दे हैव अंडरस्टूड कि देयर फैकल्टी इज़ इन प्लेस, परमानेंट फैकल्टी है, डेडिकेटेड फैकल्टी है, कोर्स मटीरियल स्ट्रॉन्ग है, पास्ट हिस्ट्री, दे हैव गॉट गुड नंबर्स ऑफ रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बनस्पत एडवर्टाइजमेंट्स के। दिस इज़ व्हाट आई से।
तो डेफिनेटली आई थिंक जितना माउथ पब्लिसिटी से ये कोई भी कोचिंग सेंटर स्प्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब उस कोचिंग सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सैटिस्फाइड है वहाँ से। क्योंकि मैम क्या होता है, जो बच्चे आउटस्पोकन हैं उनके लिए रास्ता बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम होती है इंट्रोवर्ट बच्चे से, बिकॉज वो बोलना ही नहीं जानते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे सामने फैकल्टी। तो इसीलिए आई थिंक आपने जो बताया कि फैकल्टीज़ के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक एक बच्चों पर किस तरीके से ध्यान दें। तो मैम सबसे ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें बताया, तो मैम ये बच्चे जो है आपके हिसाब से ये सबसे पहली बार में तो ये पूछ नहीं सकते, ये जितने से आपने पैरामीटर्स बताया, ये हाउ डू दे सर्च, ये रिसर्च जो है बच्चे कैसे करें कि इस पर्टिकुलर कोचिंग जो उन्होंने देखा है उस इंस्टीट्यूट में ये सारे चीज़ें हैं। दो तरीके हैं इसके, एक तो डायरेक्टली आप वहाँ पर इंटरेक्ट करिए, काउंसलर्स के बियॉन्ड भी जाइए, कोशिश ये करिए कि जो मेन की पर्सन है, जो कुड बी वन ऑफ द मेन मेंटोर्स एंड जो भी एकेडमिक हेड है, उससे आप इंटरेक्शंस कीजिए और लुक फॉर एन अपॉइंटमेंट, और ये सारी क्वेरीज आप डायरेक्टली कीजिए, उनके स्टडी मटेरियल को गेज करिए, उनके ऑनलाइन सपोर्ट को गेज करिए, क्योंकि आजकल तो हाइब्रिड मॉडल में ही सारी जगह प्रिपरेशन हो रही है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि केवल क्लासरूम इंटरेक्शंस हैं या केवल ऑनलाइन है। सो दोनों चीज़ों को गेज करिए, स्टडी करिए, आपको अच्छा खासा वक्त लगाना चाहिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है पीयर्स के थ्रू फाइंडिंग्स। सो जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा आइडिया दे सकते हैं कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। सो जो बच्चे सिंसियर हैं पढ़ाई में और फोकस्ड हैं, उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक भी हमें कहाँ से आ रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे बच्चे से फीडबैक ले लेंगे जो फोकस्ड नहीं है, तो आप भी जो है भ्रमित हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 6-7 बच्चों से कम फीडबैक लें, और उस जो सीरियस है, जी सीरियस हैं, सिंसियर हैं, वो बच्चे आपको बिल्कुल सही फीडबैक देंगे, और फैकल्टीज से मिलने की कोशिश करिए। बाय एंड लार्ज जो है, आपको जिस भी शहर में आप रह रहे होते हैं, आपको एक कोचिंग के बारे में जनरल एक एनवायरनमेंट या एक फीडबैक बनता है। पेरेंट्स ऑल्सो नो, लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दैट कोचिंग। तो 2-3 ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करिए जो एकेडमिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या उनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वो भी आपको सही राय दे सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आप मालूमात करके वर्ड ऑफ माउथ से पता कर सकते हैं। अगर आप कि मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप या आप कंपटीशन को समझते हैं, तो थोड़ा बहुत आप उनके कंटेंट से भी समझ जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है कि आप जानकारी बहुत अच्छे से लें बिफोर पेइंग योर फीस टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये जो ब्रांड्स है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स है लखनऊ शहर में, आपने पहले भी जिक्र किया कि एडवर्टीजमेंट्स में मत जाइए क्योंकि उनके पास बजट है। तो मैम इसी से जुड़ा हुआ मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मैम ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी नए लॉन्च हो रहा है, उनके पास बजट नहीं है, क्योंकि जो यंग फ्रेश टीचर्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उनके पास बजट ही नहीं है, तो एडवर्टीजमेंट करेंगे कैसे? तो मैम इसके ऊपर जो है बच्चों को किस तरीके से आप गाइड करेंगे कि वो उनको चूज़ करना चाहिए नहीं चूज़ करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चाहे वो बड़ा ब्रांड हो या फिर एक यंग टीचर या यंग टीम ऑफ टीचर्स जो कि एक लोकल लेवल पे प्रयास कर रहे हैं अपना कोचिंग स्टार्ट करने का, 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो उन्हें एग्ज़ाम की कितनी समझ है, जो यंगर लॉट भी है, जो जिनका नाम हो सकता है बहुत बड़ा ना हो, लेकिन अगर उनकी एग्ज़ाम पे पकड़ मजबूत है, तो आई थिंक दैट टीम ऑफ टीचर्स इज़ फार बेटर देन अ बिगर नेम। तो पहली चीज़ तो ये है। तो जो भी पढ़ा रहा हो, चाहे वो बड़े ब्रांड में हो चाहे छोटे ब्रांड में हो, महत्वपूर्ण ये है कि कौन पढ़ा रहा है, उसकी एग्ज़ाम के प्रति पकड़ कितनी है और जज्बा कितना है स्टूडेंट्स को हेल्प करने का। मेनली क्वालिफिकेशन क्या है, आई थिंक वो अगर फ्रेश भी है तो इसका मतलब अभी अभी उन्होंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपको नहीं लगता है कि वो अपडेटेड है? क्वालिफाई किया हो या फिर इवन वो एग्ज़ाम में फेल भी हुए हो, दैट आप अगर वो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अयोग्य हैं उसमें पढ़ाने के लिए। अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हैं 4 साल से, तो भी वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हो सकता है वो ओवरऑल पेपर में बहुत अच्छे ना हो, लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ाने में या मैथ्स पढ़ाने में
बहुत स्ट्रांग हो, उन्होंने उस एरिया में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन एक्सपीरियंस होना उस एग्ज़ाम का ये महत्वपूर्ण है। तो जो डॉक्टर MBBS कर रहा है वो तो ऑटोमेटिकली आपको नीट पढ़ाने नहीं आएगा ना। यस। सो आपको ट्रस्ट ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट एरिया वो मुझे पढ़ाने जा रहा है उसकी समझ उसका और ओवरऑल पेपर का जो फॉर्मेट है उसकी समझ उस टीचर को होनी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ब्रांड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, टीचर और आपका कंटेंट यानी कि स्टडी मटेरियल, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बायो बहुत ईजी लगता है, लेकिन वो लोग फंसते हैं जाके केमिस्ट्री में। जी। तो आई थिंक ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, जो केमिस्ट्री टीचर है वो किस इंटरेस्टिंग वे में Absolutely. उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाए। एब्सोल्युटली। देखिए एंटरटेनमेंट जो होता है वो हर सब्जेक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारा रिटेंशन जो है या अटेंशन स्पैन जो है वो कम होगा। सो टीचर उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कुछ चुटकुलों के साथ, जी, कुछ एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इंटरैक्टिव होके स्टूडेंट्स के लेवल पे आके अगर पढ़ाता है तो रिसेप्टिविटी बहुत हायर हो जाती है। और ये मेरा निजी अनुभव है। okay. इसमें मैंने बहुत बार देखा है जो जिसे कहते हैं इंफोटेनमेंट या यू नो वेर यू आर इंफॉर्मिंग एंड यू आर आल्सो एंटरटेनिंग, इसका रेशियो जो है 30-70 हो सकता है, लेकिन एंटरटेनमेंट और यू नो जेलिंग विद द क्राउड, जेलिंग विद द स्टूडेंट्स सॉरी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग टू देयर लेवल एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड थिंग्स, एग्जांपल्स देना, एनेक्डोट्स देना, कुछ लाइव चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ाना, तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने Super 30 में देखी होगी ऋतिक रोशन की पिक्चर में, तो उस तरीके से पढ़ाना बहुत मेंटोरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ऐसे अगर टीचर मिल जाए तो हर कोई जो है इंजीनियर बन जाएगा। डेफिनेटली। मैम अब क्योंकि आप काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में रही, बहुत सारे स्कूल्स के साथ भी जुड़ी हुई है, बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, मैम एक बहुत अहम मेरा क्वेश्चन है। आजकल एक चलन आ गया है जिसमें बच्चे जो है स्पेशली जो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो डमिक स्कूल्स चूज़ करते हैं, वो एक स्कूल को जो है एज अ डमिक स्कूल चूज़ करते हैं, जिस तरीके से जिसके थ्रू उनका 12th का एग्ज़ाम क्वालिफाई वो कर जाए एंड साथ ही साथ वो लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो मैम इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या ये उचित है, क्योंकि पेरेंट्स भी इसी तरीके से उनका साथ भी दे रहे हैं, तो इसीलिए मेरा बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये। मेरी राय मानिए तो मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। ये डमी एजुकेशन विल टेक यू नोवेयर बिकॉज इट इज़ गिविंग अ चाइल्ड यू नो आई वुड से कि डिप्राइव कर रहे हैं 11th 12th की एक्चुअल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग से, जो कि आपका फाउंडेशन होती है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो 11th 12th को हल्के में लेना और उसको डू अवे करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में दो चैलेंजेस आते हैं। एक तो आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है या एकेडमिक लर्निंग है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होती ही होती है, लेकिन दो पाँव में नाव रखने से बच्चे की एक्चुअल कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पे भी हैम्पर करती है, क्योंकि बच्चा हमेशा स्ट्रेस में रहता है, दो नाव में रहता है और उसको बहुत ही दुविधा वाली सिचुएशन में हम लोग डाल देते हैं। और ये कमर्शियल यूजर्स की यू नो साझेदारी है जहाँ पे स्कूल्स डमी स्कूल्स बन जाते हैं या पैरेलल कोचिंग स्कूल में चल रही है जहाँ पे 11th 12th की पढ़ाई की जगह हम लोग यू नो IIT JEE या नीट की तैयारी कराने लगते हैं। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है और ज़रूरी नहीं है कि इसके माध्यम से इमीडिएटली 12th के बाद बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। तो चारू मैम मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि बच्चों को एक तरफ हम बोलते हैं सेल्फ प्रिपरेशन करें, पेरेंट्स भी यही बताते हैं कि सेल्फ प्रिपेयर करो, लेकिन हम लोग कोचिंग्स में भी बोल रहे हैं, इतनी सारी हम लोगों ने कोचिंग्स के लिए भी पॉजिटिव बातें किए हैं, लेकिन फिर भी मैम कोचिंग्स को हम लोग नीची नज़र से ही देखते हैं, तो मैम ये विड़ंबना है ही क्यों कोचिंग्स के लिए? जी देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि 5% से ज़्यादा बच्चा
जो 11th 12th कर रहा है वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता। 95% बच्चों को एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट उनको जब तक क्रिएटेड नहीं होता है वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होके सुबह 4 बजे अलार्म लगा के उठने वाले बच्चे कम होते हैं। सो जो बाकी 95% बच्चे हैं जिन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलस और एनवायरनमेंट की ज़रूरत है उनके लिए कोचिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमारी फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे आपका हाई स्कूल की एजुकेशन है, इंटरमीडिएट की एजुकेशन है, अगर वो लिंक्ड होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से तो कोचिंग की उतनी महत्वता नहीं रहती। यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो उसका फॉर्मेट होता है और जो हम 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। वो डिस्कनेक्ट हर कोई महसूस करता है, हर कोई देखता है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा और जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल विरोधाभास में है। इसलिए बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उस पेपर को लेके जब तक कि उनको गाइडेड प्रिपरेशंस ना मिले। सो इसलिए भी कोचिंग्स महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिस दिन हमारी एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पाठ्यक्रम में चेंजेस आएंगे और हम जो है अपने पाठ्यक्रम को एग्जामिनेशन रेलेवेंट बना पाएंगे, कॉम्पिटिटिव रेलेवेंट बना पाएंगे, उस दिन शायद कोचिंग्स का महत्व थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वो भी डिमिनिश ख़त्म नहीं होगा क्योंकि जो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप होती है वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में ज़्यादा मिलती है बनस्पत लार्ज एजुकेशनल सेटअप्स में। सो वो जो जो पर्सनल टच होता है वो कोचिंग्स में मिलता है, रिवाइज्ड पाठ्यक्रम मिलता है, स्टडी प्रॉपर नोट्स मिलते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसके वो रोल जो है वो ख़त्म नहीं होगा। लोग समझते थे कि कोविड के आने से जो है सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन अभी अगर आप देखिए तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वो भी इनफैक्ट अब क्लासरूम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। समथिंग लाइक यू नो ब्रांड नेम लाइक बायजूस जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में था, आज वो जगह जगह अपने क्लासरूम्स खोल रहा है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ क्योंकि डाउट बच्चों की क्लियर हो ही नहीं सकती जी। आप ह्यूमन इंटरवेंशन और पर्सनल इंटरेक्शंस को कभी भी मिनिमाइज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच चारू मैम हमारे शो में आने के लिए और बच्चों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन करने के लिए। दोस्तों आज की ये जो चर्चा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी कि आप लोगों को ये समझाया जा सके कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उसका आपके बच्चे के शिक्षा में रोल कितना बड़ा है। ताज्जुब की बात है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा गाइडेंस मिले, अच्छी कोचिंग मिल पाए, कोई उसको अलग से व्यक्तिगत रूप से समझा पाए उन कमियों को जो वो स्कूल में नहीं समझ पाता, लेकिन उसके बावजूद हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कहीं ना कहीं नीचे नज़र से देखते हैं। कई बार ये बात उठती है कि कोचिंग की ज़रूरत ही क्यों है, ट्यूशन्स की ज़रूरत ही क्यों है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्यूशन कुछ खराब चीज़ है, कोचिंग होना कुछ खराब चीज़ है। ताज्जुब बात है, इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना ही क्यों है। जो टीचर्स इसकी वजह से एम्प्लॉयड हो रहे हैं, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ इतना बड़ा पॉपुलेशन ऑलरेडी हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहे हैं, वहाँ अगर कुछ लोग अगर अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं किसी एक इंडस्ट्री की वजह से, उनकी वजह से उसका उनका रोजगार चलता है, तो उसमें हम लोग आपत्ति क्या है। आपको भी तो साथ मिल रहा है, आपके भी तो बच्चे को कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल पा रहा है और इसी वजह से इंस्टीट्यूट्स भी चल रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन हाँ, ये जो ओवर ब्रांडिंग हो रही है इसके खिलाफ मैं आज जरूर बोलूंगा, आज ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग बड़े नामों के पीछे भागने लग गए हैं। नाम जितना बड़ा होगा, कभी हमने सोचा अगर भीड़ में ही बच्चे को पढ़ाना था तो फिर तो स्कूल काफी था ना। स्कूल के भीड़ से निकाल के सिर्फ नाम की वजह से कि फला नाम कोटा में बहुत बड़ा नाम है, फला जगह पे बहुत बड़ा नाम है, तो लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में या कलकत्ता में या अन्य किसी शहर में वहां पे भी बड़ा नाम होगा, क्या ये वही फैकल्टी होंगे? नहीं। तो फिर आप कैसे करके एक ब्रांड के पीछे भाग सकते हैं?
स्कूल्स जब उन्होंने देखा कि हम कोचिंग्स के खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे उनको कोचिंग्स बिल्कुल नहीं पसंद है, वो खुद कहते रहे, हर बड़ा ब्रांडेड स्कूल ने यही कहा कि कोचिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे खुद के टीचर उनको ट्रेन करेंगे। लेकिन जब देखा कि ना ये तो खत्म होने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने साथ शामिल करना शुरू किया और यहां से शुरू हुआ बड़े बड़े ब्रांड्स का स्कूल्स के साथ मिलकर एक कार्यक्रम को चलाना, जहां प्रॉफिट शेयरिंग होने लगी और वाणिज्यकरण या कॉमर्शियलाइजेशन और बढ़ गया। लेकिन इसमें भी बड़े नाम ही आए, इसमें हमने उन टीचर्स को या उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हमने कभी भी हम लोग उनको वरीयता नहीं देते हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पे अच्छे अध्यापकों ने शुरू किया है, लेकिन लोकली उनका नाम बड़ा नहीं है। मेरे हिसाब से उन अध्यापकों को वहाँ पे वरीयता मिलनी चाहिए। SIP गलत चीज़ नहीं है, जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं वो इसीलिए की जाती हैं ताकि स्कूली शिक्षा और कोचिंग की शिक्षा को मिलाई जा सके, लेकिन स्कूली शिक्षा और कोचिंग की शिक्षा को अगर आप मिलाना चाहते हैं, प्लीज़ ये चीज़ जरूर देखिएगा कि कहीं आपका बच्चा भीड़ में तो नहीं फंस रहा, क्या व्यक्तिगत ट्रेनिंग वाकई हो रही है या कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी तरीके से किसी तरीके से बस सिलेबस को खत्म करने में लगी हुई है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दोस्तों सोचिएगा जरूर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही शिक्षा को अच्छे तरीके से फैलाने का है। अगर हम बेहतर शिक्षा चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक NEP के आने से नहीं होगा, हमको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमारी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। इस ब्रांडेड की सोच से निकलिए और खुद से सोचिए आपके बच्चे को व्यक्तिगत व्यक्तिगत हेल्प या व्यक्तिगत एक पर्सनल हेल्प या एक पर्सनल गाइडेंस कहां से मिल पा रही है। तो दोस्तों ऐसी कई अहम मुद्दों के साथ हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे करियर काउच में शुभांकर पर, तो देखते रहिएगा आज रात 9 बजे Prime TV करियर काउच में शुभांकर।